नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरपाल यूपीपी मोटिवेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक मैथ का चैप्टर है हमारा जो जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोले तो अनुपात व समानुपात। ये हर एक एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, उस हर एक एग्जाम में ये चैप्टर आता है। ठीक है, जैसे कि यूपी पुलिस हो, स्पेशली जो ये टॉपिक है यूपी पुलिस के लिए है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए, जो भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं उन सब के लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, इसमें हम क्या है, एलिगेशन एंड मिक्सर क्या होता है, एक तुम्हारा मेथड होता है एलिगेशन, इसमें भी क्या है, हम रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, मिक्सर में भी क्या है, हम रेशियो का यूज करते हैं। और पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी बोलते हैं, इसमें भी क्या है, रेशियो का यूज होता है। और जो एज होता है, आयु से संबंधित वाले प्रश्न, उनमें भी क्या है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है। एवरेज औसत में भी क्या है, रेशियो का खूब यूज होता है। ठीक है, आगे हम रेशियो के बारे में पढ़ें तो रेशियो में हम क्या है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो में नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉइन, सिक्के से रिलेटेड। ठीक है, एक रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के, वो कितने हैं, संख्या वगैरह, ये सब क्या है, कॉइन में आता है। इसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, इसका मतलब आय, खर्चा और बचत, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब सबसे पहले देखते हैं रेशियो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बताया था रेशियो क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं, देख, एक बंदे के पास में क्या है, एक बंदे के पास में 50 रुपए हैं और दूसरे बंदे के पास में क्या है, 60 किलोग्राम क्या है, शुगर है, 60 किलोग्राम शुगर है। एक बंदे के पास क्या है, 50 रुपए है, दूसरे बंदे के पास क्या है, 60 किलोग्राम शुगर है, इनका रेशियो निकालो। तो इनका रेशियो कभी भी नहीं निकल सकता, रेशियो हमेशा निकलता है भाई सेम यूनिट वाले डेट में। जैसे कि यहाँ पे संख्या में, जैसे 50 रुपए है और दूसरे के पास में क्या है, 60 रुपए, इन दोनों का हम रेशियो निकालें, मतलब इन दोनों के पास में कितने रेशियो में रुपए हैं, तो इन दोनों के रेशियो में 50:60। ठीक है, इसके पास में 50 रुपए हैं, इसके पास में 60 रुपए हैं, और रेशियो भी क्या हो जाएगा, 50:60 हो जाएगा। लेकिन रेशियो की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलें तो सरलतम रूप, मतलब सबसे छोटा रूप, सरलतम रूप मतलब और काटा ना जा सके, बहुत छोटा वाला। अब ये 50:60 है। ठीक है, जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो वो भी रेशियो होगा। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे क्या है, 50 का मतलब क्या होता है, 50 × 10, और 60 का मतलब क्या होता है, 6 × 10। इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन को कट कर दो, अब तो कुछ भी कट नहीं रहा दोनों में, अब क्या बचेगा, 5:6 बचेगा, यही क्या होता है, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यही क्या होती है, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, किसी भी संख्या का रेशियो निकालते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन 3 प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले एक संख्या हमारी 1:2 अनुपात में 1:3 है, 1:4 है, ये तीनों संख्याएं क्या है, हमारी अनुपात में है, लेकिन क्या है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इनको हम कैसे रेशियो बनाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4 है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले देखो नीचे क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 4 है। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे नीचे क्या आना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैसे होगा, आप जान सकते हो, 1 करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कौन कौन सी संख्या का, 2 का, 3 का और 4 का, इनका जो एलसीएम होता है भाई 12 होता है, सब निकालना जानते होंगे, एलसीएम बहुत छोटी संख्या है, 12 होता है, तो 12 इनका एलसीएम है, तो 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4, तो इन सब में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन सब में 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बचेगा भाई, 12:2 हो गया, अनुपात 12:3 हो जाएगा, अनुपात 12:4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अनुपात हो गया। लेकिन अब इनको ये आसानी से नीचे एक आ सकता है, कैसे आ सकता है, काट के, 2 से 12 गया 6 बार, 3 से 12 गया 4 बार, 4 से 12 गया 3 बार, तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा 6:4:3, इन तीनों में आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। आप कहेंगे कि इन दोनों में कॉमन तो है, दोनों से मतलब नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो तीनों में कॉमन देखते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार ये क्या आ गया, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरे प्रकार का प्रश्न है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं
जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है a बट्टे 3 बराबर b बट्टे 4 बराबर c बट्टे 5, ठीक है, a बट्टे 3 बराबर b बट्टे 4 बराबर c बट्टे 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा। अब क्या है भाई, सबसे पहले क्या है, ये बराबर में है, यहाँ पे अनुपात में तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में है अनुपात में नहीं है। अनुपात में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा से क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a के नीचे क्या है, 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b के नीचे 4 है तो 4 हो गई b की वैल्यू, c के नीचे क्या है, 5 है तो c की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकल के आया, लेकिन ये कैसे आया उसे अभी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आया कैसे उसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, कैसे आया। सबसे पहले जो ये वैल्यूज है, a बट्टे 3 है, b बट्टे 4 है, c बट्टे 5 है, इन सबको के लेट कर लो, ठीक है, ये तीनों क्या है, आपस में के बराबर हैं, तो यहाँ पे a बट्टे 3 बराबर k होगा, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, भाई बराबर में है तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, 3 के, ठीक है, 3 इधर जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 के, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी भाई 4 के, अब सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी भाई 5 के। तो इस प्रकार हम ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ए की वैल्यू 3 के है, बी की वैल्यू 4 के है, और सी की वैल्यू क्या है, 5 के है, लेकिन इन तीनों में जो कॉमन होता है उसे हम काट देते हैं, इसे हम प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, के कॉमन है तीनों में काट दिया, तो बचेगा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू आएगी 3:4:5, इस प्रकार आती है, लेकिन हम इसे इस प्रकार के की वैल्यू लेट नहीं करके हम सीधा सीधा लिखते हैं, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 3:4:5, ठीक है। जो एक प्रकार के प्रश्न और आते हैं उनको अभी देख रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार के प्रश्न और आते हैं, देखो तीसरे प्रकार के प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, 2a है इजकल टू क्या है, 3b है इजकल टू क्या है, 5c है, ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ से भी क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है। अब इसलिए हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, a 2a बराबर 3b इजकल टू 5c है, आप जानते हैं अगर हम इस प्रकार की फॉर्म में इसे ला सकें, इस प्रकार की फॉर्म में हम ला सकें इसे, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले LCM लेंगे किस किस का, 2 का 3 का और 5 का, 2, 3 और 5 का जो LCM आएगा वो LCM निकल के आएगा आपका 30, ठीक है, 2, 3, 5 का LCM क्या आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया, तो इन तीनों में बराबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन 30 इजिकल टू 3b अपॉन 30 इजिकल टू 5c अपॉन 30। अभी आसानी से कर सकता है, क्योंकि हम डिवाइड क्योंकि आप जान सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू है उनसे नीचे वाली वैल्यू कर सके, यहाँ से 2 से ये 30 काटेंगे तो 15 बार, तो a अपॉन 15 आएगा, यहाँ से 3 से 30 बार काटेंगे, 30 को काटेंगे तो b अपॉन 10 आएगा, और यहाँ पे आएगा c अपॉन 6, तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 15:10:6, ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू, ठीक है। अब इन तीनों में कोई कॉमन तो है नहीं, ठीक है, इसलिए यही हमारा क्या बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी रेशियो की। इस प्रकार हम क्या है, रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। आगे जो हमारा मेथड है, आगे हम पढ़ेंगे इनमें बेसिक वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।